अज दा उनवान है हुजूर सैयद कायनात राहत कलबे मुस्तफा नूर दीदा मुस्तफा शहजादी कौनैन मखदूम कायनात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा व रदियल्लाह ताला अन्हा आपकी बारगाह अक्दस के अंदर और बारगाह बेकस पनाह के अंदर इंशाल्लाह मैं अपनी अरमगाने नियाज पेश करनी शहजादी कौनैन बीबी पाक साडी हाजरी कबूल फरमावन कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत अल कौसर की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया अल्फाज के लिहाज नाल कुरान पाक की सब तो छोटी सूरत अजमत के लिहाज नाल कुरान मजीद की सब तो बड़ी सूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को चार बेटियां और तीन बेटे अता फरमाए हजूर के बेटे तो बचपन च विसाल कर गए मगर नबी पाक दियां बेटियां जवान हुई सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत कासिम का विसाल होया कुफारे मक्का ने हरमे काबा के अंदर एक मीटिंग बुला ली काफिरां दे एक सरदार थे चौधरी जिसका नाम है आस बिन वाइल इज्तिमाए कुफारे च उठ के कहने लगा कि आज तो बाद मुहम्मद नूं को पत्थर ना मारे ना उन्हां दी को तबलीग का रस्ता रोके ते ना उन्हां नूं को तंग करे काफिरां ने पूछा कि क्या तू मुहम्मद का कलमा पढ़ लिया कहने लगा कलमा नहीं पढ़िया मैं इस वास्ते मना कर रहा कि मुहम्मद का पुत्र कोई नहीं और जिंद औलाद नरीना ना हो जिंदा पुत्र कोई ना हो बाद ना फिर वह जिक्र जारी रहते ना वो नस्ल जारी रहती है कह लगा कि मुहम्मद के बाद ना तो उन्हां की नस्ल जारी रहेगी ना उन्हां का जिक्र जारी रहेगा और तीसरा जुमला जरा आस बिन वाइल ने बोलिया कह लगा मुहम्मद माज़ल्ला अबतर हो गए ने साडे पंजाब के अंदर किसी का बेटा ना हो तो लोग कहते हैं फुलां बंदा औतर है दूसरा शरीकां दे मेने गम हो गया दुगना रसूल करीम अलैहि सलाम ने रो के आसमान वल वेखिया महबूब रोंदे नहीं वेखे जांदे ते महबूब वह होवे जिदे दम बदले रब ने पूरी कायनात बनाई होवे शाजी अल्लाह को अपने यार की अख का अथरू नहीं बर्दाश्त अल्लाह ने फिर उस वेले यार को तसली दी अपने महबूब से सूरत कौसर नाज़िल फरमाई इन तीन आयात च अल्लाह ने काफिर के सारे मेहनत के जवाब भी दे दिए तो यार को तसलियां भी दे दतियां पढ़ा कुरान भाई जड़ा वाले हो मैनू पता है तुम जड़ा वाले वाले हो तो मैंने तोड़िया मुफ्तां ते शक्तां भी बड़िया याद ने हमेशा रात के दो बजे मैंने रोजाना टाइम देंदे हो फैसलाबादी है बल्कि ढाई तीन बजे भी देंदे हो फजर दी अज़ाना हो जाती है लाहौरीए ते फैसलाबादी इंज कर दें तो रात भी मैं जो प्रोग्राम से सा उ भी इस तरह होया पर सुरावलपिंडी सा उ भी मेरी आखिर से जाके फजर की जान वेले बारी आती है तो ये लाहौर रेंदे ने क्योंकि हाफिज़ इजाज़ साहब और इन्हें सारी टीम तो इन्हों लाहौर वाली आदत है इन्हें मैंने इतने भी उस टाइम देता है कि दो बजे जो बंदे सौन लगते हैं फिर कहते हैं हूँ आसी साहब ले आओ ठीक है तो मेरी ड्यूटी होती है डबल नाले तकरीर सुनाना ते नाले जगाना हुण मैं तुहानू जगाना भी है तकरीर भी सुनानी है अपना ते नाल दे दा हाथ चुके इन्ना उच्चा सुभान अल्लाह बोलो मदीने आवाज चली जाओ फिर नहीं नहीं जोर नहीं लगाया जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह मैं दुआ करना शाह जी उलमा आमीन फरमान मेरी दुआ कबूल हो जाए या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह बोले हज का महीना आ रहा अपनी अम्मी नाल हज करके आवे सने स्टेज वाले जरा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ के सारे रोजे मस्जिद नबी शरीफ च इफ्तार करके आवे हुण जरा इस तो उच्चा बोले अज रात सौवे तो ख्वाब च कमली वाला ही आ जाए तो या अल्लाह तेरा की जाता जरा इस तो उच्चा बोले जागद महफले च सोने का दीदार करा दे सुबसा थोड़ा जा मेरा साउंड वाले ना रबता हो लेंगे हूँ ठीक है जी तैयार हो जी अल्लाह ने रिजा फरमाया इल्ला मुहम्मद पुत्र कोई नहीं बाद जिक्र जारी नहीं रहेगा अल्लाह परमा इला तैना कल कर परमा कमली वाले ना इन्हें रूहानी पुत्र
कर दे देवांगा जग भी जिक्र तेरे करेगा रब भी जिक्र तेरे करे परवरदिगार ने फरमाया माता दिन वाले जे मैं ना चाहवा पुत्रां वालिया दी नस्लां ना टुरन देवा जे मैं चाहवा बगैर पुत्रां तो नस्लां टोर लवा अर्ज कीती अल्लाह मेरा पुत्र ही कोई नहीं मेरी नस्ल किवें जारी होवेगी अल्लाह फरमा कमली वाले तेरी औलाद मैं अली दे सुलभ च रख दिती है सुनिया पिंड पिंड सैयद होणगे हर शहर च सैयद होणगे हर मुल्क च सैयद होणगे कयामत तक सैयदां नूं वेख के जमाना कहेगा ये सैयद औलाद अली दी ने आल नबी दी सैयद औलाद अली दीने ते आल भाई जेड़ा आले नबी दा गुलाम बैठा बोले सैयद औलाद अली दीने ते आल नबी दीने अल्लाह फरमा सोने इन्हें मेना मारे के मुहम्मद का पुत्र कोई नहीं ते नस्ल नहीं जा रही होनी अल्लाह ने फरमा इन नशानिया का हुवल अबतर फरमाया जेड़े तेनो अबतर कह रहे ने कमली वाले जे कयामत तक ओही उतरे ना जावां ते मैनूं मुहम्मद रब कौन आखेगा ओही अबतर होवणगे सोहणिया जेड़े तेरे दुश्मन होणगे गिरामी कदर हजरात अल्लाह ने उन्हां दे शरीकां दे मेहनत दे जवाब भी दे दिते ते यार नूं तसल्लियां भी दे दित्तियां सारी कायनात दीआं नस्लां पुत्तरां तों जारी होंदियां फरमा सोहणिया तेरी नस्ल असीं तेरी बेटी तों जारी कर लवांगे लोग रब को लो पुत्र मांग दे क्यों क्योंकि नस्ल पुत्रा तो जारी हो दिया ने पुत्रे नस्ल होते ने दोतरे नस्ल नहीं होते क्योंकि बेटी दी औलाद अपने बाप दी नस्ल होती है मियां साहब फरमाते ने सिख पुत्रा दी डाडी होती आखन लोग सयाने ए मेवा नबियां भी मंगिया कर कर उजर बहाने लोग पुत्र मांगते कि नस्ल पुत्रा तो जारी होती ने हो सकता किसी के ज़हन च ख्याल आवे आसी साहेब आ जिहड़े सैयद ने इते नबी पाक दी बेटी दी औलाद ने इते नबी पाक दे औलाद ते ए नबी दी आल किवें हो गए इते अली दी नस्ल ने ए नबी दी नस्ल किवें हो गए फिर इन्हां नूं असीं नस्ले रसूल क्यों कहने आ क्योंकि नस्लां ते पुत्रां तों जारी होंदियां ने ते नबी दा पुत्र ते जिंदा कोई नहीं सी इते नबी दी बेटी दी औलाद ने ए किवें नस्ले रसूल हो गए तो आइए मैं कुरान पढ़ा थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए लंगर घरों भी खा के आया करो बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा हो जाता है ते जिदी अम्मी ने दस के भेजा तो पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुननी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह जेड़ा जेड़ा हाथ नहीं ना चुकदा नाल दा बेली फड़ के चुक के जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह ए फिजावा गूंज जावन गले तुहाडे खराब हो जान लोग सुबह पुछण गले नु की होया ते आखे राती नबी पाक दी बेटी सैयदा ज़ारा पाक दा जिक्र हुंदा सी मैं सुभान अल्लाह कहंदा रहा